अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, आज हमारा पहला लेक्चर है सेकंड टर्म का और ये चैप्टर नंबर 5 का है जिसका नेम है वाटर। हम इस चैप्टर में पानी के बारे में डिस्कस करेंगे। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। हमारे माहौल के अंदर और पूरी ज़मीन में जो पानी है ये एक मोस्ट कॉमन कंपाउंड है, आम तौर पर पाया जाने वाला है। इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा वाटर है वो हमारी ज़मीन का कितने फ़ीसद हिस्से को घेरता है। तो 70% हिस्से पर, हमारी ज़मीन के 70% हिस्से पर जो है वो पानी मौजूद है। इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये 3 हालतों में पाया जाता है। सॉलिड, यानी कि जब बर्फ़ बन जाएगी तो ये सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड, वाटर में। एंड गैस, गैस की फॉर्म में कैसे होता है? पानी को तो आप देखने लिक्विड में होता है, गैस की फॉर्म में कैसे होता है? कि जब पानी को बॉईल किया जाए या हीट दिया जाए तो ये भाप की शक्ल में बदल जाता है, तो ये वेपर्स की सूरत में आ जाता है। इस जब वेपर्स की सूरत में बनता है तो ये इन द स्टेट ऑफ गैस होता है। वाटर फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग फ्रीज वाटर फ्रीज कौन से पॉइंट पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट इंटू आइस इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए, यानी कि लिक्विड पानी बदल जाए, कन्वर्ट तब्दील हो जाए इनटू आइस बर्फ़ में, तो बर्फ़ कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड स्टेट होगी। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें पानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए, वो वाला जो टेम्परेचर होगा वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। आपकी जो डेफिनेशन है, पहला जो क्वेश्चन है सेल्फ मेड, वो है डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसकी जो आंसर होगा वो यहाँ से होगा, द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट इनटू आइस इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और आप इसके फ्रीजिंग पॉइंट में आगे लिखेंगे कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी जो है वो शुरू कर दे बॉइलिंग, उबलना, इस कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट, तो वो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आपका जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होगा, द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आगे आप लिखेंगे कि वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। नीचे है वाटर H2O, यानी कि पानी का आपको ने फार्मूला है, ये पानी का H2O। We know that everything is made of atom. हम जानते हैं कि तमाम चीज़ें एटम से मिलकर बनी होती हैं। एटम जॉइन टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम। अब पानी के मॉलिक्यूल में भी 3 एटम्स होते हैं, टू हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। देखें आप फॉर्मूले में, देखें H2O है, H2 का मतलब कि 2 हाइड्रोजन और O का मतलब 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन बिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक सिंगल ड्रॉप के अंदर बिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, राइट द कंपोजिशन ऑफ वाटर। कंपोजिशन ऑफ वाटर, तो आप लिखेंगे अ वाटर मॉलिक्यूल हैज 3 एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। यहाँ तक इसका आंसर। आज के लिए आपके ये 3 ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड राइट द कंपोजिशन ऑफ वाटर। थैंक यू सो मच।